audio jungle. आज दुधेश्वर नाथ गणपति लड्डू महोत्सव सन 2021 षष्ठ दिवस का पूजन दुधेश्वर नाथ मंदिर में महाराष्ट्र द्वारा संपन्न हुआ। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक दुधेश्वर नाथ मंदिर में प्रतिदिन 1100 लड्डू का भोग लगाया जा रहा है। भगवान गणेश जी को साथ में ही प्रतिदिन गणेश सहस्त्र नाम से भगवान के 1000 नामों से रोज उनका पूजन किया जा रहा है। गणपति अर्थव शीर्ष गणेश स्तुति, गणेश स्तुति, गणेश चालीसा, गणेश जी का संपूर्ण पूजन प्रतिदिन 7 से 9 तक, 10 से 11 तक, शाम को 4 बजे से 6 बजे तक, 11 सितंबर तक यह पूजन चलने वाला है और 19 सितंबर को भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन किया जाएगा। सन 2021 गणेश महोत्सव सूक्ष्म रूप से दुधेश्वर नाथ मंदिर में कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए मनाया जा रहा है। इसके साथ संपूर्ण व्यवस्था और पूर्ण सहयोग पाल गर्ग जी, अध्यक्ष मंदिर विकास समिति, व्यवस्था श्रृंगार विजय मित्तल जी, दुधेश्वर नाथ श्रृंगार सेवा समिति के द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर कैलाश नाथ तिवारी जी के नेतृत्व में दुधेश्वर वेद विद्यापीठ के आचार्य त्योराज उपाध्यक्ष जी, नित्यानंद आचार्य जी, विकास पांडे जी, मुकेश शुक्ला जी, अनिल पहाड़ी जी और विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन भगवान का पूजन किया जा रहा है। आज महाराज श्री ने अभिषेक करके लड्डू व दुर्वा से नाम आचार्य किया, धूप आरती, दीप आरती हुई, पुष्पांजलि अर्पित करके पूजन सम्पन्न हुआ। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, प्रिय भक्तों, दुधेश्वर नाथ गणपति लड्डू महोत्सव दुधेश्वर नाथ मंदिर में सूक्ष्म रूप से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग 2 गज का दूरी है जरूरी और सैनिटाइजर में होकर आना है। सैनिटाइजर जो गुफा बनी है उसके अंदर होके अपने जीवन को सुरक्षित रखते हुए, सावधानी रखते हुए गणेश जी का पूजा दुधेश्वर में धूमधाम से चल रहा है। ये जो है आज जो है छठे दिन का पूजा आज पूर्ण हुआ, छठे दिन का पूर्ण हो गया पूजन हमारा। ये गणेश चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक जो है ये धूमधाम से दुधेश्वर नाथ मंदिर में दुधेश्वर नाथ लड्डू गणपति महोत्सव मनाया जा रहा है। 11,000 किलो लड्डू हमने बनाए थे तो हर रोज़ जो है 1100 लड्डुओं का भगवान का भोग लगता है, पूजा होती है, मोदक के लड्डुओं से भोग लगता है। सभी लोग आके यहाँ पर रोज प्रतिदिन यहाँ भगवान का पूजन करते हैं। तो दुधेश्वर नाथ मंदिर में जो है ये हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते थे परंतु इस बार हमने सूक्ष्म रूप से रखा है। इस बार जो है यात्रा जो हमारा अनंत चतुर्दशी है क्योंकि 10 दिन का पूजन होना चाहिए, ये कायदा है। पूर्ण रूप से कोई सिद्धि प्राप्त करनी है, कुछ गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो 10 दिन को गणेश जी की स्थापना करना अनिवार्य रूप से है। तो 10 दिन में जो है हमारा 10 दिन पूरा होगा अनंत चतुर्दशी को, ये जो कि 19 सितंबर को बहुत एक सूक्ष्म रूप से हम जो है यहाँ से लेके मंदिर से लेके ठाकुर द्वारा तक एक छोटा सा जुलूस शोभा यात्रा निकालेंगे। उसके बाद में जो दुधेश्वर घाट है मुरादनगर में गणपति जी को विसर्जन करेंगे और आप सभी लोग जो है इसमें आ सकते हैं। Jungle.